ये हमारे वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ए बी सी डी एक साइड है और फिर डी ई एफ जी एक साइड है, फिर आई जे के एक साइड में है। ये तीन टावर इस साइड में है, तो ये लास्ट हमारा के टावर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये बिल्डिंग हमारे सोसाइटी का एस क्लब है और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं। तो बाबू बताएंगे कौन कौन से गेम हैं, कौन कौन से। इसमें स्विमिंग पूल है, वो मैंने देखा था। स्विमिंग पूल और क्या है, और इसमें हम गेम खेल सकते हैं जैसे टेबल टेनिस, पूल और वैसे ऐसे। और इसमें हॉल्स हैं जिसमें अगर कुछ पार्टी करनी होगी तो वो कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जाके इसके व्यू देखते हैं हम। लिफ्ट में है तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जिम है तो वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कैमरे के लिए, तो थोड़ा छुपा छुपा के हम लोग आपको कुछ कुछ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी ये दोपहर की टाइम है। जिम में सुबह और शाम में बहुत भीड़ रहती है, मतलब बहुत लोग आते हैं एक्सरसाइज के लिए सिटी के। बेसमेंट वन में जा रहे हैं, आप वहाँ खेलने के लिए सारी चीजें हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। छोटा सा पार्टी हॉल है, बड़ा वाला पार्टी हॉल नीचे की साइड में है। साथ ही साथ यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू बहुत अच्छी तरह से दिखता है। यहाँ छोटे बच्चों के लिए अलग से स्विमिंग पूल है और बड़ों के लिए अलग से है। सोसाइटी का पार्टी हॉल है जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। टावर में 25 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे 12 फ्लैट्स हैं। जैसा कि आपने देखा, मतलब अंदाज नहीं लगा पा रहे होंगे आप, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे 25 फ्लोर जो है उसके फ्लोर पे जाके आपको नीचे की व्यू दिखाते हैं। ऐसे मैं 13 फ्लोर पे रहती हूँ, तो 13 फ्लोर की मैं आपको व्यू दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी।
वहाँ से भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत देर तक उड़ता रहता है, उसके बाद वो नीचे आता है, मतलब देख कर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं 25th फ्लोर पे, अगर कोई हो सकेगा तो मैं ऊपर से उसकी व्यू दिखाने वाली। सब चीज़ बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है। चलिए चलते हैं। और हम लोगों ने बहुत देर घूमा है, मतलब 1.5 घंटे हो गए और हमारी सोसाइटी में हम घूम ही रहे हैं। और ये स्पेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी आकर बैठ सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। शाम के टाइम में लोग बैठते हैं या बच्चे सब को लेकर, कोई भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको घुमाने के लिए यहाँ पे लाया जाता है, तो वहीं पे हम लोग बैठे हैं। तो मैं इसकी व्यू आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। ये स्टेयर टाइप का बना हुआ है, इस पर लोग आकर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ा देर टहलने के बाद। तो इस तरह का है, तो हम लोग सबसे ऊपर वाले स्टेयर पर बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। 2 घंटे घूमने के बाद अब हम लोग घर जा रहे हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं, मेरी मम्मी और ज़्यादा थक गई हैं। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, वो बैडमिंटन ग्राउंड है, उसके बाद बच्चों की खेलने की स्पेस जो हमने आपको दिखाई थी वो है, उसके बाद वो है बैडमिंटन की ग्राउंड है, उसके बाद वहाँ पे बड़े बच्चों की खेलने की जो स्पेस थी वो वाली स्पेस है। वो आपको जो जो व्यू मैंने दिखाया है, वहाँ स्विमिंग पूल मैंने आपको दिखाया था, वो सारी चीज़ें हैं। और ये सारा फ्लैट है, बिल्डिंग्स हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्कूल। तो ये स्कूल वाली व्यू है, जो छोटे छोटे कुछ दिख रहे हैं उसके ऊपर वो है, उसके बाद रोड है, उसके बाद मॉल मैंने दिखाया था वो मॉल है, और फिर ये आउटर व्यू है इसके। यस, अपने फ्लैट में। और अभी 3 बज गया है, 3:30 बज गए हैं, और हम लोग आई थिंक 1:30 बजे के आसपास हम लोग आए थे, और हमारा लिफ्ट आ गया, ये 22-23 फ्लोर पे आ चुका है। तो चलिए हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारी सोसाइटी का व्यू,
नेक्स्ट टाइम मैं अपने होम टूर करूँगी तो अपने घर दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।